नमस्ते, शैला किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम पत्ता गोभी का पराठा बनाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक पत्ता गोभी लेंगे, पत्ता गोभी को कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह कद्दूकस कर लेंगे। गोभी का पानी निचोड़ लेंगे। इस तरह पानी निकाल लेंगे। 1.5 कप गेहूं का आटा लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लेके आटा गूंद लेंगे। आटे को अच्छे से गूंद लेना है। तेल डालेंगे। आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। आटा गूंद चुका है, ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। कढ़ाई लेंगे, 1 चम्मच तेल डालेंगे। कटा हुआ लहसुन डालेंगे, कटा हुआ प्याज डालेंगे। अच्छे से भून लेंगे। 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और भून लेंगे। कद्दूकस किया हुआ गोभी डालेंगे। मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। दस मिनट ढककर पका लेंगे। स्टफिंग पक चुकी है। कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अच्छे से मिला लेंगे स्टफिंग में। स्टफिंग तैयार हो चुके, अभी ठंडा कर लेंगे। अब पराठा बना लेंगे। आटे को गूंद लेंगे। आटे की लोई बना लेंगे। जैसे रोटी बनाते वैसे बना लेंगे। सूखा आटा लेके रोटी बेल लेंगे। ठंडी की स्टफिंग रोटी के बीचों बीच डालेंगे।
टॉपिंग को अच्छे से रोटी में बंद कर लेंगे। अच्छे से दबा कर बंद कर लेंगे। काटा लेके पराठे को बेल लेंगे। हल्के हाथे से पराठे को बेल लेंगे। सूखा आटा लगा के पराठे को बेल लेंगे। इस तरह गोभी का पराठा तैयार कर लेंगे। इस तरह सभी पराठे तैयार कर लेंगे। हमारे पराठे तैयार हैं, अब सेक लेंगे। तवे को गर्म कर लेंगे। तवे पे पराठा डाल देंगे। पलट पलट के सेक लेंगे। पराठे को तेल लगा लेंगे। पलट पलट के सेक लेंगे। दोनों तरफ से तेल लगा के सेक लेंगे। पराठे को दोनों बाजू सेक लेके ताकि कच्चा ना रहे। इस तरह हमारा पराठा तैयार है, प्लेट में सर्व करेंगे। सॉस के साथ, दही के साथ खा सकते हैं। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।